गुजरात गौरव यात्रा के उद्देश्य से प्रदेश में 5 यात्रा शुरू की है। एक राजनीतिक संगठन की, सामाजिक संगठन की दायित्व बनती है जिनके ऊपर एक प्रदेश की जनता ने निरंतर भरोसा जताई है। हमारी दायित्व बनती है पिछले दिनों में जो जिम्मेवारी, जो वादा, जो भरोसा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है उसकी जानकारी देना, उसके बारे में लोगों को अवगत करवाना, लोगों की भावना की अनुयायी जो काम की गई है उसकी रिपोर्ट कार्ड देना और उस जन अभियान की प्रक्रिया में हमारी जो उपलब्धि है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी प्रांत हो, कोई भी देश या कोई समाज जब गौरवान्वित महसूस करेगा तब वो आगे बढ़ पाएगा। आज उस पांचों में से एक यात्रा की जिसकी बहुचारा जी से माता की मठ कच्छ जिला तक, यानी बहुचारा जी तो इस जिले में है, महसाणा से शायद ये नॉर्थ गुजराती कहा जाएगा, विभिन्न विधानसभाओं में प्रवास करते हुए सप्ताह के अंत में कच्छ जिला तक पहुंचेगी। आज उस यात्रा की दूसरा दिन है। कल जैसे आप लोगों के सामने ये विषय ऑलरेडी है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम रूपाला जी और राव साहेब दानवे जी की नेतृत्व में कल यात्रा, इस यात्रा की शुभारंभ हुई है। मेरे को आज सौभाग्य मिला, मैं महसाणा और गांधीनगर जिले की विभिन्न जनसंपर्क की दौरे में इस गुजरात गौरव यात्रा में भाग लेने के लिए आपके बीच में आया हूं। और मित्रों, आज एक प्रमुख बात जो देश और दुनिया की स्थिति है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश होने के नाते प्रजातंत्र में अनेक मत, अनेक राजनीतिक संगठन और एक अनेक प्रकार की सरकारें रहती हैं। यह प्रजातंत्र की शर्त है और हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है। सभी लोग चुनाव में आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, रखना भी स्वाभाविक है, जनता उसके ऊपर निर्णय देती है। मैं सबसे पहले गुजरात की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। कई दशकों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनकी नेतृत्व पे, विशेष करके आज देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अतूट भरोसा किया है, विश्वास किया है। यहां भी हमारे भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में अभी सरकार चल रही है। मैं इस निरंतर भरोसा के लिए, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा उपलब्धि है लोगों की भरोसा जीतना, लोगों की विश्वास जीतना। हमें पूरा विश्वास है उस भरोसा को लोगों ने बड़े आस्था के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम की मूल में देश की सामान्य व्यक्ति, गुजरात की सामान्य व्यक्ति केंद्रस्थ है, लोगों की जिंदगी में चौमुखी विकास हो, यही हम लोगों की
सेवा की दायित्व रही है, हमने कभी उसको सत्ता नहीं माना, शासन नहीं माना, सेवा माना। मित्रों, आज देश में जिस प्रकार की स्थिति है, राज्य में जिस प्रकार की प्रगति है और दुनिया की जो स्थिति है, शायद हम सौभाग्यशाली है आज इस समय में मोदी जी की नेतृत्व देश में है और राज्य को भी उसकी फायदा मिल रहा है। राज्य की अर्थनैतिक स्थिति, राज्य की मानव जीवन की मूल्यांक, खेती हो, उद्योग हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, स्वास्थ्य सेवा हो, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सभी में आज देश में गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है। गुजरात ने निरंतर जो भरोसा जताया है, कोई भी पार्टी को, कोई भी सरकार को जब निरंतर समय मिलता है तब वो एक काम पूरा करने के लिए एक मौका मिलता है। अनेक काम गुजरात में बने हैं जो आज उस उपलब्धि से नेशनल मॉडल बन रहा है। घर घर में बिजली पहुंचाने की बात हो, गरीबों को पक्का घर की उपलब्धि कराने की बात हो, विशुद्ध पीने की पानी देने की व्यवस्था हो, चिकित्सा सेवा की यूनिवर्सल अप्रोच की व्यवस्था हो, किसानों की सम्मान बढ़ाने की बात हो, उनकी आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार हो, इसकी प्रयास के बारे में हो, ये सारे में जो प्रयोग प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में किया, जिनकी सफल मार्गदर्शन में आज यहाँ भूपिंदर भाई के नेतृत्व में काम आगे बढ़ रहा है, वो आज देश की मानक बनी है। मैं इस जन अभियान को एक ही शब्द में कहूँ, ये भरोसा की गौरव यात्रा है। भरोसा की ही मूल आधार पर हम जनता के पास जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है इस बार भी गुजरात की जनता हमारी विचार पे, हमारी कार्यक्रमों पे और हमारी नेतृत्व पे पुनः भरोसा जताएगी। इसी विश्वास के साथ मैं आपका भी सहयोग चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं गुजरात की जनता तक अपनी बातों को पहुँचाऊँ। आज यात्रा भी हम करेंगे, घर घर तक इस वार्ता को लेने की प्रयास करेंगे। हमारे पार्टी की तमाम वरिष्ठ नेतृत्व आज हम मिलके इस सब काम को करेंगे। बहुत धन्यवाद। ठीक है, विजुअल लेंगे या प्रश्न पूछेंगे? अब पूछ लो एकदम भाई। आम आदमी जिस तरह से भी काम जब कोशिश कर रहा है गुजरात में, किस तरह से? आप ये एक शब्द साहित्य में है, बहुरूपी। गुजरात साहित्य तो मैं उड़ीसा में आता हूँ, उड़ीसा से आता हूँ। उड़ीसा और गुजरात साहित्य की बहुत शब्द की सिमिलैरिटी है। आप लोग पानी कहते हो, हम लोग भी पानी कहते हैं। मैं गुजरात साहित्य को जितना समझा हूँ उसमें एक शब्द यहाँ भी है, बहुरूपी। झूठ फेरे बोलने की ये सौदागर है। बिना कुछ किए हुए बड़बलापन, लाउड माउथिंग, गुजरात में उसको बड़बलापन को क्या कहा जाएगा? ना ना, गुजराती में क्या होगा? बड़बड़िया, बड़बड़िया। ये बड़बड़िया लोगों की समूह है। आ रहा है प्रजातंत्र ने कहा कि प्रजातंत्र हमारे देश में, हमारी बाबा साहेब अम्बेडकर और उस समय में सरदार, ये सब ने बहुदलीय व्यवस्था को लाया है, इसलिए सब आएंगे। मैंने सुना ये लोग चांद को भी कुछ दिनों में लेके आ सकते हैं गुजरात में, इसलिए बड़बड़िया लोगों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी के साथ जो की गई काम उसको लेके जाएगी और हमें पूरा भरोसा है। सर, बीजेपी सरकार गुजरात मॉडल पूरे देश पे लाने की बात कर रही है और केजरीवाल दिल्ली मॉडल गुजरात में लाने की बात कर रहे हैं, क्या कहें? क्या दिल्ली की मॉडल है? आपको मैं
अभी कहो तो लेके जा सकता हूँ दिल्ली में। दिल्ली की जो रास्ते हैं, अंदरूनी रास्ते हैं, दिल्ली की जो जीवन मालंग की व्यवस्था है, दिल्ली की जो रोजगार की व्यवस्था है, दिल्ली की जो शिक्षा की व्यवस्था है, दिल्ली की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, अगर वो बड़बड़िया लोग ईमानदार है तो आप ही लोगों को लेके दिल्ली जाए। देखो, हमारी एक बंगाली साहित्य में एक शब्द है, गुजरात में भी होगा, उसको होगा निश्चित, भारत की साहित्य की बहुत समानता है। मेरे को सौभाग्य मिला है, मोदी जी ने मेरे को शिक्षा विभाग के काम दिया है। बंगाली में कहा जाता है, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप उसको भी समझ लोगे। गुजरात वाले मूल भाषा को समझ लेते हैं। जारा मुख्य लज्जा नहीं, समझ गए ना, जारा मुख्य लज्जा नहीं, जिनकी आंखों में शर्म नहीं है, ताके आमे डोरी, उसको मैं डरता हूं। जिनके मुंह पे लज्जा नहीं है, हाया नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है, शर्म नहीं है, उसको हम डरते हैं। ऐसे बड़बड़िया दल की ये समूह है। आप लोगों को मैं भी लेके जा सकता हूं। मैं केजरीवाल जी अगर इतना सब काम किए हैं, दिल्ली मॉडल, आज हम गुजरात मॉडल हम नहीं कहते हैं, दुनिया की जितने बड़े एजेंसी है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अंग्रेज हमको कई सदियों तक शासन किए, 2-3 सदियों तक हमारे ऊपर राज किए, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से राज किए। मित्रों, भारत की अर्थनीति आज दुनिया की 5 नंबर की अर्थनीति बना। हम कभी 15 से 14 बने होंगे, 14 से 10 बने होंगे, 10 से कभी 9 बने होंगे, 9 से 7 बने होंगे, 7 से 6, किसी को बहुत ध्यान में नहीं, बने ही होंगे, अपने लोगों की मेहनत से बने हैं। मित्रों, जो लोग हमको तुम लोग काले हो इसलिए शासन नहीं कर सकते हो ऐसे कहने वाले लोगों को इस बार हमने सरपास किया है। यूके को हमने छोड़ के 5 नंबर की अर्थनीति बना। देश में पोलियो एक टीका, पोलियो एक व्याधि था, उसको टीकाकरण करने में 30 साल लगे थे, 30 साल लगे थे। कोरोना को 3 साल नहीं हुए हैं। 2020 मार्च अप्रैल से शुरू हुआ कोरोना को अभी 2.5 साल हुए हैं। हमारी देश में 225 करोड़ डोज टीका लग गया है। ये गुजरात मॉडल है, उसी एजुकेशन मॉडल को आज ऑल इंडिया किया गया है। दुनिया की विशेषज्ञ उसको प्रशंसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कोई एक श्री व्यक्ति अभी नहीं रहे हैं, 130 करोड़ भारतीयों की अभिमान स्वाभिमान की प्रतिबिंब बन चुके हैं। ये हमारी दावा नहीं है, ये सूरज जैसे सत्य आपके सामने है।